बंदा भाई साहब मेरे को दिख चुका है। अब बोल। गाइस मैं तो ये बोल रहा था कि ऊपर से आता हुआ यमराज मेरे को दिख चुका है। अब अपने को दोबारा से स्पाइडरमैन की आधार कॉपी दिख चुकी है, जिसने घर का जो पर्दा होता है ना पीछे का, तो वो लटका लिया है इसके पीछे की तरफ और उसको चीर दिया, मतलब फाड़ लिया। और भाई साहब मेरे को मिल चुकी है फटफटी, बोले तो बग्गी, और जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। और तो भाई साहब स्वागत है आप सभी लोगों का मार धाड़ चड्डी फाड़ गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग फिर सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड गेम के अंदर एयर ड्रॉप वेपन चैलेंज करने जा रहे हैं। अच्छा। जिसमें भाई साहब अपने को बंदों का गेम तो बजाना है, लेकिन एयर ड्रॉप की गनों के अलावा दूसरे वेपन्स का और गाड़ियों का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है समरिया। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और फिलहाल अपन लोग बैठ चुके हैं भाड़े के एरोप्लेन के अंदर और एरोस्टेज ने मेरे नंगे के पिछवाड़े पे लात मार के नीचे की तरफ फेंक दिया। रोमत मेरे नंगे रोमत। तो भाई साहब हगायों के अंदर 3 से 4 बंदे उतरते देख अपने नंगे के कच्चे में से मुंह निकल चुका है। क्या बात करते हो। और जल्दी से चलते हैं एयर ड्रॉप को ढूंढते हैं और उसके बाद बंदों का पार निकालते हैं। उरे मैया पीछे से एक यमराज बगा बगा रहा है। तो भाई साहब यहाँ से जल्दी से चलते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं, नहीं तो पता चले कि मेरे नंगे के पिछवाड़े पे गोलियां मार मार के इसका कच्चा फाड़ जाए एक ही बार में। तो अपने को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और भाई साहब चलते हैं एरोप्लेन को ढूंढने के लिए। मगर क्यों? क्योंकि एरोप्लेन ही तो भाई साहब एयर ड्रॉप को नीचे की तरफ डालता है। तो भाई साहब मैंने पूरा आसमान छान मारा, लेकिन मेरे को एयर ड्रॉप कहीं पे भी नहीं मिला। और रे भाई साहब नीचे की तरफ मेरे को एरोप्लेन की परछाई दिख चुकी है। गाइस ऊपर की तरफ देखते हैं। और रे मैया ऊपर की तरफ वो जा रहा भाई साहब एरोप्लेन। तो एयर ड्रॉप भी भाई साहब उसी ने नीचे की तरफ डाला होगा। पीछे की तरफ भाई साहब मेरे को एयर ड्रॉप दिख चुका है। तो जल्दी से एयर ड्रॉप के पास में चलते हैं। अरे साले नंगे एयर ड्रॉप में से तो गने उठाएगा, उसी को क्यों ठोक रहा है। बात तो सही है, साला जिस थाली के अंदर खा रहा है उसी थाली के अंदर छेद कर रहा है। और भाई साहब एयर ड्रॉप के अंदर अपने को मिल चुकी है मशीन और बंदों का क्रिएट करेंगे अपन लोग लाश बिछाने वाला सीन। और बंदा मेरे को दिख चुका है। गाइस बंदे के पास आरपीजी है। तो भाई साहब मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है कि मेरे नंगे का कच्चा नहीं फाड़ दे। भाई साहब ये एक ही कच्चा है मेरे नंगे के पास, वो भी भाई साहब ने 50 रुपए में मंगल बाजार से दिला के लाया था, इसीलिए मेरे को डर सता रहा था भाई साहब बहुत ही खतरनाक वाला। अच्छा और अब चलते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। साले नंगे चलना क्या, पैरों में लकवा मार के गया। सलग रास्ते में चलते चलते रुक जाता है, मेरे को लगा कि लकवा मार गया साले के पैरों में। और गाइस एक और मुर्गा मेरे को दिख चुका है जो कि पेड़ के पीछे छिप छिप के आ रहा है, बुझ दिल कहीं का। अबे साले गाइस साले तेरे को तो कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर बगा बगा के मारूंगा। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब इस बंदे ने पेड़ के बिल्कुल ही चीतरे चीतरे उड़ा दिए। साला जिन पौधों से ऑक्सीजन लेता है उन्हीं पौधों को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल ही अपने नंगे की तरह हो गया साला। जिस थाली में खा रहा है उसी थाली के अंदर छेद कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और भाई साहब सामने की तरफ जो ब्लू कलर का घर दिख रहा है तो उसके आसपास मेरे को मैप के अंदर बंदे दिखा रहे हैं। तो जल्दी से अपनी बसंती को लेकर चलते हैं और बंदे का पार निकाल के आते हैं। भाई साहब अपने नंगे को भी बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी चलाने आने लगी। साले मैं तो सोच रहा था कि नंगे को गाड़ी अच्छे से चलानी आने लगी, लेकिन मेरे को गलत फैमिली हो गई थी गाइस, गलत फैमिली। उस सामने की तरफ घर में से निकल के बंदा आ चुका है और उसका मैंने सुअर भर दिया है। और भाई साहब उसका नाम था बिग बॉस सलमान खान का गुप्त चर्चा, मतलब सलमान खान ने अपने को मारने के लिए इस बंदे को सुपारी दी थी। तो कोई बात नहीं है गाइस, सलमान खान को मैंने माफ किया। जाओ सल्लू भाई जी लो अपनी जिंदगी, जाओ। और गाइस सामने की तरफ मेरे को एक और बंदा दिख चुका है और भाई साहब उस बंदे ने दूसरे बंदे का गेम बजा दिया है। तो साले को बिल्कुल ही पटक पटक कर दौड़ा दौड़ा कर लेटा लेटा कर मारा है। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब उस बंदे ने एक किल का नुकसान करवा दिया अपने, लेकिन कोई बात नहीं है भाई साहब। सामने की तरफ भाई साहब मेरे को एक और ब्लैक पैंथर दिख चुका है। अरे डट जा। भाई साहब इस बंदे ने अपने साथ वही वाली चोट की है जैसे पिछले वाले बंदे ने की थी। इस बंदे ने भी भाई साहब एक बार फिर से अपना एक किल का और नुकसान करवा दिया। और गाइस अपन लोग दोबारा से बैठ चुके हैं अपनी मारुति 800 के अंदर और यहाँ से उतरते हैं, क्योंकि भाई साहब मैं जा रहा था तभी भाई साहब एक बंदे ने दर गोलियां चला दी। तभी मेरे को पता लगे कि बंदा आसपास ही है। रुक जा बेटे। बंदा भाई साहब मेरे को दिख चुका है। गाइस मैं तो ये बोल रहा था कि ऊपर से आता हुआ यमराज मेरे को दिख चुका है। और गाइस अपन लोग दोबारा से नीचे की तरफ उतरने वाले हड्डू के अंदर,
लेकिन भाई साहब नहीं उतर पाए क्योंकि अपने नंगे को उतरने की बिल्कुल ही अकल नहीं है। साला कहीं पे भी जंप मार देता है और भाई साहब मेरे को मिल चुकी है फटफटी बोले तो बग्गी। और जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं और चलते हैं एयर ड्रॉप को ढूंढने के लिए। और भाई साहब ढूंढने की जरूरत नहीं है, भाई साहब एयर ड्रॉप फाइनली अपने को मिल चुका है। बिल्कुल भी मत ठोकना भाई साहब इसको। हाँ वाह मेरे नंगे, इस बार भाई साहब इसने जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में बिल्कुल भी छेद नहीं किया। क्या बात करते हो। और जल्दी से इसमें से अपन लोग मशीन को उठाते हैं और उसके बाद चलते हैं बंदों की लाशें बिछाने के लिए। लाशें बिछा दूंगा लाशें। अबे साले। और भाई साहब अपन लोग आ चुके हैं प्राची के अंदर क्योंकि भाई साहब अभी भी मेरे गुप्तचरों से मेरे को सूचना मिली है कि 4 से 5 बंदे अस्त्रों शस्त्रों के साथ अपने नंगे का गेम बजाने के लिए प्राची के अंदर खड़े हुए हैं। अच्छा तो मैंने उनसे बोला मैंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने नंगे को भी हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा क्योंकि अपना नंगा भी बहुत ही बड़ा वाला खतरों का खिलाड़ी है और डकैत की तरह अपने नंगे ने घर के अंदर जंप मार दिया है। पैसा वो तो अच्छा हुआ कि घर का ओनर यहाँ पे नहीं था, नहीं तो नंगे के पिछवाड़े पे लाठी लाठी से मारता। और गए सामने की तरफ मेरे को एक और आतंकवादी दिख चुका है। बॉयस अब दो बंदों की एक साथ फाइट हो चुकी है और एक बंदे ने दूसरे बंदे का गेम बजा दिया है। साले जॉनी डेप की आधार कॉपी, तूने मेरा एक किल का नुकसान करा दिया क्योंकि भाई साहब इस बंदे ने दूसरे बंदे का गेम बजा दिया, नहीं तो भाई साहब अपने को वो वाला किल भी अपने को मिलता। और सामने की तरफ भाई साहब मेरे को एक और नौजवान दिख चुका है और उसको जवानों ने से पहले मैंने उसका गेम बजा दिया है। चीटिंग करता है तू। और अब चलते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। सालों को चुन चुन कर पटक पटक कर दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और गाइज अपन लोग बैठ चुके हैं अपने सांड वाले ट्रक के अंदर क्योंकि भाई साहब इसी से अपन लोग बंदे का गेम नहीं बजाने वाले। साले तू, अपन लोग उठाएंगे यहाँ से बग्गी और उससे निकालेंगे अपन लोग बंदों का बड़बड़ बड़बड़ करके पाद। तो जल्दी से चलते हैं भाई साहब। सामने की तरफ मेरे को बंदा दिख चुका है जो कि हिमालय पर्वत पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अरे रुक जा आई एम राइडर 2 फ्राइडे शुक्रवार शनिवार रविवार। साले अब तो रुक जा, क्या गोल्ड मेडल लेकर ही मानेगा। और भाई साहब बंदे के इतना तगड़ा वाला मैंने लेजर स्प्रे मारा कि यहीं के यहीं पे ढेर कर दिया। एक ही बार में यहीं के यहीं पे इसकी लाश बिछा दी। और अपन लोग चलते हैं अब प्राची के अंदर बंदे का गेम बजाने के लिए। और रे भाई साहब अपने को दोबारा से स्पाइडरमैन की आधार कॉपी दिख चुकी है जिसने घर का जो पर्दा होता है ना पीछे का, तो वो लटका लिया है इसके पीछे की तरफ और उसको चीर दिया मतलब फाड़ लिया। तो बिल्कुल ही वो स्पाइडरमैन का वो कपड़ा होता है ना पीछे लटका हुआ उड़ता रहता है हवा में, तो वैसा का वैसा ही बन गया। अरे आओ चाचा जी आओ। गाइस इनका नाम था रिंकिया के पापा, तो रिंकिया के पापा का भी मैंने गेम बजा दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो रिंकिया के पापा के लिए भाई साहब मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ क्योंकि इनके बच्चे भी होंगे तभी तो इनका नाम पड़ा रिंकिया के पापा। तो रिंकिया होगा इनका बेटा तभी तो इनका नाम पड़ा रिंकिया के पापा। तो भाई साहब उनकी परवरिश कौन करेगा, उनको कौन पालेगा। खैर अपने खुद से कोई मतलब नहीं है, जो हुआ वो हुआ, अपनी कोई गलती नहीं है। और चलते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढने के लिए। अरे गाइस साला घर के अंदर भाई साहब ऐसे चारों ओर घुमा रहे हैं जैसे तो 7 फेरे लेकर इससे शादी करवाएगा इस घर से मेरी। और बंदा मेरे को देख चुका है, बेटे को गन लेकर आने देते हैं, उसके बाद भाई साहब इसे टक्कर की फाइट करेंगे। गाइस बंदे ने टक्कर की फाइट ली थी। हाँ वो बात अलग है कि बंदे ने अपने ऊपर गोलियां नहीं चलाई साले तू, लेकिन बंदे भाई साहब बंदूक तो ऐसे ही दिखा रहा था वो बंदा जैसे तो अपने को मारेगा ऐसा ही। और भाई साहब एक और पीले वस्त्र में बंदा आ चुका है अपने को मारने के लिए। अरे गाइस मैं तो इसको हल्के में ले रहा था और गोलियां नहीं चला रहा था, लेकिन भाई साहब बंदा अपना भी कच्चा पीला कर देता तो मैंने सोचा मैंने कहा बंदे को गेम बजा देते हैं। और एक और बंदा आ चुका है बस अब इसका नाम था बॉयकेट मतलब कुत्ता बिल्ली। कुछ भी कुत्ता बिल्ली नहीं था जाने का नाम था साले का। और भाई साहब एक और बंदा मेरे को दिख चुका है जो कि भाई साहब एयर ड्रॉप की बिल्कुल ही चौकीदारी कर रहा है। साला चौकी चारों ओर घूम रहा है एयर ड्रॉप के। रुक जा बेटे रुक जा, आराम से मारेंगे गाइस इसको, कोई जल्दबाजी नहीं अपने। सबसे पहले इसका कच्चा पाड़ेंगे। भाई साहब इसका नाम था बोंगी नाम था इसका बोंगी। तो क्या नाचो जाने कैसे कैसे तो नाम होते हैं सालों के। और भाई साहब मैप के अंदर सामने तरफ एक और बंदा मेरे को दिखाई दे रहा है। डट जा साले ये भी भाई साहब ये भी इतनी दौड़ रहा है कि गोल्ड मेडल लेकर ही मानेगा। अरे रे रे साले को भाई साहब घर के अंदर घुसेगा ये तो, घर के अंदर घुस कर ही मारेंगे। अच्छा। घर के अंदर घुस के इसकी लाश बिछाएंगे। तो गाइस मैं तो ये बोल रहा था, मैंने कहा अपन लोग घर के अंदर जाएंगे और बंदा अपनी लाश बिछाएगा बिल्कुल ही कुत्ते की तरह मारेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।